IBN 7 हौसला है। देश दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं आकाश सोनी। शुरुआत उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर के कहर की। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इस वक्त सर्दी से बेहाल है। दिल्ली में सुबह का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। श्रीनगर में जहां डल झील जमनी लगातार जारी है, वहीं कोहरे की वजह से आज भी 150 से ज्यादा ट्रेन देर से चल रही हैं। 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। फ्लाइट्स पर भी बुरा असर पड़ रहा है। ये तस्वीरें हैं उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड की। एक ओर जहां कोहरे के कोहराम के आगे सारी यातायात व्यवस्था ठप सी पड़ गई है, वहीं दूसरी ओर पड़ रही कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के ऊपरी इलाकों की। जम्मू कश्मीर की डल झील पर भी अब ठंड का असर दिखने लगा है। यहाँ तापमान 0 से नीचे जा चुका है, जिसके चलते डल झील का कुछ हिस्सा अब बर्फ में तब्दील होने लगा है। रात में तो यहाँ तापमान -5 डिग्री तक चला जाता है। जैसा हमने आपको दिखाया कि डल झील का एक पोर्शन जमा भी हुआ है, ना कि रात के दौरान बल्कि दिन के दौरान ही ये पोर्शन जमा हुआ है, और रात के दौरान हालात इससे भी बदतर होते हैं। और इस कड़ाके की सर्दी से पीने के पानी, बिजली में काफी ज्यादा कमी आ गई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी हालात जम्मू कश्मीर से कुछ अलग नहीं है। यहाँ पड़ रही कड़ाके की ठंड जनजीवन अस्त व्यस्त कर रही है, तो घटते तापमान की वजह से यहाँ मौजूद झीलों का जमना भी शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में शीतलहर और कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करने वालों की जिंदगी थम सी गई है। हर की पौड़ी में नगर निगम के लाख दावों के बावजूद ठंड से निपटने के लिए ना तो रैन बसेरे का इंतजाम है और ना ही अलाव का। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शीतलहर का प्रकोप बढ़ने लगा है। यहाँ तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर पुराने रिकॉर्ड की बात करें तो 10 साल बाद यहाँ इतनी ठंड पड़ रही है। यहाँ रात का तापमान 6 डिग्री के आसपास रहता है। ठंड से यहाँ और आसपास के इलाकों में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों में लगातार पड़ रहे घने कोहरे की वजह से रेल यातायात पर सबसे बुरा असर पड़ा है। बिहार के सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर में घने कोहरे और हार्ड मास कपा देने वाली ठंड से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ तापमान गिरकर 5.5 डिग्री तक पहुँच गया है। वहीं समस्तीपुर में प्रशासन की तरफ से व्यवस्था नहीं किए जाने की वजह से लोग कचरा जलाकर ठंड को दूर भगाने को मजबूर हैं। राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। अधिकांश इलाकों में पारा गिरता जा रहा है। कोहरे की वजह से यहां दर्जन भर से ज्यादा ट्रेनें लेट हैं और फ्लाइट पर भी काफी असर पड़ा है। कमोबेश यही हाल राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के बाकी इलाकों का भी है। दिल्ली में तो तापमान 7 डिग्री के आसपास गिर गया। गिरते तापमान की वजह से एक ओर जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, वहीं कोहरे की वजह से रेलवे और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। तो ठंड के कारण आपको ये भी बताते हैं कि कितनी ट्रेनें लेट हैं और कहां कहां खास तौर पे लेट हैं। कुछ खास ट्रेनों के बारे में पहले जानकारी दें। नई दिल्ली से कोलकाता जाने वाली कोलकाता राजधानी 21 घंटे देर से चल रही है। सियालदह राजधानी 23 घंटे की देरी से चल रही है। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से दरभंगा जाने वाली 2 दिन 1 घंटा और 9 मिनट देरी से चल रही है। गोमती एक्सप्रेस 6 घंटे की देर से चलेगी। डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस 6 घंटे की देर से चल रही है। लखनऊ स्वर्ण शताब्दी लखनऊ से दिल्ली जाने वाली 11 घंटे से ज्यादा देर से चल रही है। संपर्क क्रांति हजरत निजामुद्दीन से जबलपुर जाने वाली लगभग 9 घंटे लेट चल रही है। चंबल एक्सप्रेस मथुरा जंक्शन से हावड़ा जंक्शन जाने वाली 8 घंटे से ज्यादा की देरी से चल रही है। गोमती एक्सप्रेस नई दिल्ली से लखनऊ जाने वाली 6.5 घंटे लेट है। डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ जाने वाली 6.25 घंटे लेट है। आनंद विहार से जोगबानी जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12.25 घंटे देरी से चल रही है। देहरादून मद्रास एक्सप्रेस देहरादून से मदुरई जाने वाली 9.5 घंटे लेट चल रही है। अमृतसर नांदेड़ एक्सप्रेस 10.25 घंटे लेट चल रही है। कानपुर सेंट्रल से अमृतसर जंक्शन जाने वाली फास्ट ट्रेन 12.5 घंटे लेट चल रही है। कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस हरिद्वार से पुरी जाने वाली 13 घंटे लेट चल रही है। अमृतसर दादर एक्सप्रेस अमृतसर से लोकमान्य तिलक जंक्शन जाने वाली 8.5 घंटे लेट है। पंजाब मेल फिरोजपुर कैंट से मुंबई सीएसटी जाने वाली ट्रेन
लगभग 11 घंटे लेट चल रही है। इस वक्त ठंड पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली रेलवे स्टेशन से मौजूद हैं हमारे संवाददाता सैयद सुहेल, श्रीनगर से हमारे साथ हैं नसीर अहमद और चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता विजय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आइए चलते हैं दिल्ली का हाल जानने के लिए सैयद सुहेल के पास। सुहेल, ये बताएं कि जो ट्रेनें लेट चल रही हैं इनकी संख्या इस वक्त कितनी बताई जा रही है और यात्री जो जिनकी ट्रेन 10-10, 11-11 घंटे लेट है, क्या वो घर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेन क्या मेकअप भी कर सकती है टाइम? जी आकाश, सबसे पहले मैं आपको लेटेस्ट फिगर बता दूं, 88 ट्रेन्स इस वक्त ऐसी हैं जो डिलेड हैं। इसके अलावा 18 ट्रेन्स कैंसिल कर दी गई हैं और 28 ट्रेन्स को रीशेड्यूल किया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो भी मेरी बात हुई है उससे मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई ट्रेन्स हैं जो 15-16 घंटे लेट हैं, उसके अलावा 8-9 घंटे लेट भी हैं। जहाँ तक आपने यात्रियों की बात की, कई ऐसे यात्री यहाँ पर मौजूद हैं जो पिछले 8-8, 9-9 घंटे से स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं। वापस जाने का कोई चारा नहीं है, क्योंकि वापस जाएं ये नहीं पता कि ट्रेन अभी मेकअप करके पहले आ जाए, तो उस बारे में कोई जानकारी खास उन लोगों को मिल नहीं पा रही है। हमारे साथ ऐसे ही कुछ यात्री मौजूद हैं, मैं आपकी बात कराता हूँ उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज है और मुझे अमृतसर जाना है और इस टाइम मैं यहाँ पे 5:30 बजे आया था और 6:40 की मेरी ट्रेन थी और जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कि 11:30 बजे की ट्रेन है और मेरे को वहाँ पे 3 बजे पहुँचना था, तो अब मुझे वहाँ पे 9 बजे तक पहुँचूंगा, मतलब काफ़ी लेट। तो आप समझ सकते हैं कि इनको कितना घंटे ये डिलेट पहुँचेंगे। उसके अलावा ऐसे भी लोग हैं जो किसी रिलेटिव को यहाँ पर लेने आए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, पिछले कई घंटे से यहाँ पर हैं और उनको यही नहीं पता चल पा रहा है कि वो करें क्या। ऐसे हमारे साथ एक शख्स हैं, उनसे मैं बात कराता हूँ आपकी। मेरा नाम महादेव झा है और मैं यहाँ पर 6 बजे से हूँ और वहाँ आने वाली है हावड़ा जौनपुर ट्रेन से और इंक्वायरी मैंने पता किया तो 5-6 घंटे की देरी से बताने जाएगा ट्रेन। जी, उड़ीसा जाने वाले हैं ये हमारे भाई। मेरा नाम मानस है, मैं उड़ीसा संपर्क जाने के लिए भुवनेश्वर के लिए आया हूँ छोड़ने के लिए। अभी तक गाड़ी आया नहीं, 6:50 की टाइम जाने के लिए बोल रहे 12 बजे जाएगा, अभी तक कोई निर्धारित समय है नहीं। यहाँ पे बहुत आदमी 2 बजे से रात को वहीं पड़े आने के लिए, गाड़ी अभी तक उड़ीसा से आया नहीं, जाने के लिए कितना बजे जाएगा यहाँ से निर्धारित समय हो अभी तक टाइम नहीं बताया। अभी तक बोले 2 बजे 12 बजे जा सकता है ऐसे बता रहे। अच्छा, किस तरह की प्रॉब्लम्स और यहाँ पे, मतलब कोई वेटिंग लाउंज वगैरह नहीं है, किस तरह का इंतजाम है यहाँ पर जो डिले हो रहा है, आपको जानकारी पूरी मिल पा रही है? अभी तक तो मेरे पे कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। वोटिंग रूम के लिए मिलने, वोटिंग रूम रहने के लिए मिलने पर जानकारी नहीं पा रहा, रहने के लिए भी अभी मिल नहीं पा रहा। तो आकाश, आप समझ सकते हैं कि यात्रियों को किस तरह की परेशानी फेस करनी पड़ रही है और नई दिल्ली पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन दोनों जगह यही हाल है। यात्री बहुत ज़्यादा यहाँ पर जमा होते जा रहे हैं क्योंकि जानकारी की बहुत ज़्यादा कमी है और नेचुरल रीजंस हैं उसकी वजह से। फॉग पूरे नॉर्दर्न इंडिया में ही इतनी ज़्यादा है कि किसी को भी नहीं पता है कि ट्रेन्स का क्या स्टेटस रहेगा। बार बार रेलवे उसको अपडेट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन इन्फॉर्मेशन परकुलेट होने में आपको पता ही है कि कितना वक्त लगता है, तो यात्रियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है। आकाश जी, धन्यवाद सुहेल इस जानकारी के लिए। श्रीनगर चलते हैं सीधे नसीर अहमद के पास। नसीर, ये बताएं आज मौसम जम्मू कश्मीर में कैसा रहने वाला है, क्या बर्फबारी होने वाली है, मिनिमम टेम्परेचर क्या रहने वाला है, क्योंकि कुछ घंटों बाद असर उत्तर भारत के कई इलाकों पर होगा। बिल्कुल आकाश, लेकिन अगर मैं इस वक्त की बात करूं तो यहाँ पे इस वक्त जब खड़े हैंडल झील के पास जो तापमान है इस वक्त तो -3 डिग्री टेम्परेचर है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ठंड का हाल है उसने पूरे कश्मीर को बेहाल कर दिया है। और आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा कि कुछ जो पोर्शन है ढल झील का वो जम भी गया है और रात के दौरान जो तापमान है वो -5 से -6 डिग्री तक चला जाता है। और मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी जो ये खुश्क सर्दी है, क्योंकि फोरकास्ट अभी नहीं है बर्फबारी का, और इसके चलते जो आने वाले दिनों में जो टेम्परेचर है रात के दौरान और दिन के दौरान वो और ज़्यादा कम होगा। यानी -5 डिग्री तो पहले ही रात के दौरान यहाँ पे चल रहा है, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो रात का तापमान है वो -5 से -7 डिग्री तक चला जा सकता है। हालांकि पहले ही यहाँ जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में हालात जो है इससे भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। चाहे गुलमर्ग पहलगाम की बात करें तो वहाँ -8 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है। और राज्य के अगर लेह
की बात करें, लद्दाख की बात करें, तो वहाँ पे टेम्परेचर -18 डिग्री तक पहुँच चुका है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राज्य में इससे ठंड से कितनी मुश्किलें लोगों को पेश आ रही हैं। हाँ, ज़रूर ये बात है कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनका ये कहना है कि जो ही कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पे आती है और उससे स्नोफॉल होगा या बारिश होगी तो उसके बाद टेम्परेचर में इंक्रीज हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे ऐसी कोई जल्द उम्मीद नज़र नहीं आ रही है एक दो दिनों में कि जो टेम्परेचर है उसमें फ़र्क पड़ सकता है। आकाश, ठंड तो मुझे नसीर आपकी आवाज़ में और आपके बॉडी लैंग्वेज में भी समझ में आ रही है, लेकिन ये बताएं कि जो ठंड बढ़ गई है उससे बर्फबारी भी जगह जगह पर हो रही है, तो टूरिस्ट बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो यहाँ कश्मीर घाटी में जो टूरिस्ट है वो तो स्नोफॉल देखने के लिए ही आते हैं मैक्सिमम, लेकिन अभी इतना स्नोफॉल घाटी में नहीं, हालांकि जरूर पहाड़ी इलाकों में हुआ है, वहाँ पे टूरिस्ट नहीं पहुँच सकते। लेकिन जहाँ तक बात करें पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग की, जहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा स्नोफॉल के लिए आते हैं, स्कीइंग के लिए आते हैं, तो अभी तक इतनी बर्फबारी यहाँ पे नहीं हुई है। और जैसा मैंने आपको बताया कि मौसम विभाग का यही कहना है कि जो ये शीतलहर है अभी कुछ और दिन जारी रह सकती है और जिससे जो तापमान है, दिन और रात का तापमान है, उसमें और गिरावट आ सकती है। तो फिलहाल स्नोफॉल की अभी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है एक दो दिन में, तो हो सकता है कि उसके बाद जैसा मैंने कहा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से ही यहाँ पे जो रेन फॉल और स्नोफॉल होता है, तो अभी तक कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच नहीं कर रही है। और वेदर डिपार्टमेंट का यही कहना है कि जो घाटी है, घाटी के अलावा जो पूरे नॉर्दर्न इंडिया के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ और जो पारा है वो गिर सकता है। आकाश, नसीर, धन्यवाद, आगे भी अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद।